अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपके सामने एक चैनल का एनालिटिक्स ओपन है। आप इस पे व्यूज़ देख सकते हैं 84,000 व्यूज़ और वॉच टाइम देख सकते हैं 1600 घंटा। अब मैं इस चैनल की आपके साथ हकीकत शेयर करता हूं कि अब इस पे कितने ज़्यादा व्यूज़ डाउन हो चुके हैं, इस चैनल ने कौन सी ऐसी गलती की है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके चैनल पे व्यूज़ अच्छे खासे आ रहे थे, फिर यकदम से क्या होता है, आपके चैनल पे व्यूज़ बंद हो जाते हैं, ऐसा ऐसा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं और देखते ही देखते बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो स्पेशली ये वीडियो आपके लिए है। तो व्यूअर्स, आप इस चैनल पर व्यूज़ देख सकते हैं, 1 सितंबर को इस चैनल पर कितने व्यूज़ आए, 7500 व्यूज़। अब आगे देखें, 3 सितंबर को कितने आए, 13,000 व्यूज़। और 4 सितंबर को कितने आए, ये जो सबसे ऊपर ग्राफ है, 34,000 व्यूज़। लेकिन उसके बाद इस चैनल पे क्या हुआ, व्यूज़ डिक्रीज होना स्टार्ट हुए। ये देखें, ये 6 सितंबर को कितने व्यूज़ हैं, 2700 व्यूज़। इस तरह आप देखते जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, अब यहाँ पर आपने एक चीज़ को समझना है। मैं क्या करता हूँ, नीचे ये देखें, आपको सी मोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो व्यूअर्स, यहां पे जो सबसे ऊपर ग्राफ है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये आपके सामने है, यहां पे सारी वीडियोस शो हो रही हैं कि 4 सितंबर को किन वीडियोस पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज है। व्यूअर, यहां से आपको बात समझ आनी है कि चैनल पे व्यूज क्यों डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, कौन सी लोग गलती करते हैं, जो गलती इस चैनल ने की है। तो व्यूअर, यहां पर यह देखें, सबसे ऊपर कौन सी वीडियो है, टीचर डे की, और इस पे कितने व्यूज़ है, 2900 व्यूज़। ये 4 सितंबर की हम बात कर रहे हैं। इससे नीचे देखें, वो कौन सी वीडियो है, टीचर डे की, उस पे कितने व्यूज़ है, 1100 व्यूज़। इससे नीचे आप आ जाएं, ये 4 नंबर पे है, ये भी टीचर डे कार्ड पे है, इस पे कितने व्यूज़ है, 21,000 व्यूज़। तो व्यूअर्स, आपने इस बात को समझा कि 4 सितंबर को जो व्यूज़ आ रहे थे वो टीचर डे कार्ड पर आ रहे थे, 21,000, 1100, 2900। अब यहाँ से हम बैक आते हैं। तो व्यूअर्स, अब इस चैनल पे जो व्यूज़ डिक्रीज़ होना स्टार्ट हुए, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ लास्ट 28 डेज़। आप उससे पहले ये देख लें कि वॉच टाइम कितना है अभी तक, 1600, और व्यूज़ कितने हैं, 84,000। अब जैसे मैं 28 डेज़ पे क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने है, वॉच टाइम 1600 से कितना बचा, 157 घंटा, और व्यूज़ कितने डिक्रीज़ हुए, 84,000 से अब 9,000 पे आ चुके हैं। तो व्यूअर्स, इतने ज़्यादा व्यूज़ इस चैनल पे डिक्रीज़ हुए, तो आप सोचें कि कितनी बड़ी गलती इस चैनल ने की होगी। तो अब इस चैनल ने गलती कौन सी की है, आइए मैं आपको अभी दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, डेली एक चैनल के प्रमोशन मैं बिल्कुल फ्री में करता हूँ, और कल की वीडियो के ये भाई विनर हैं, आप इनके चैनल को सपोर्ट करें। इनके चैनल का लिंक मैंने अपनी कम्युनिटी में भी शेयर कर दिया है, और अगर इसी तरह आप भी अपने चैनल पर प्रमोशन कराना चाहते हैं तो आपने करना यह है, मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। अगर आप विनर आते हैं तो आपके चैनल की प्रमोशन मैं बिल्कुल फ्री में कर दूंगा। तो आइए अपना काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, अब आपके सामने इस चैनल का ये यूट्यूब सर्च टर्म्स है। अब यहाँ पर आप ये देखें, सबसे ऊपर क्या है, टीचर डे कार्ड, उसके नीचे आप देखें टीचर डे ग्रीटिंग कार्ड। अब इस चैनल पे जो कीवर्ड ज़्यादातर सर्च में आ रहा है वो क्या है, टीचर डे कार्ड। अब इन्होंने क्या किया, इनके माइंड में ये था कि 5 सितंबर जो है ना टीचर डे होता है, तो 5 सितंबर के बाद इन्होंने टीचर डे कार्ड पे एक भी वीडियो अपलोड नहीं की। इन्होंने समझा कि टीचर डे अब गुजर चुका है, तो इसलिए इन्होंने टीचर डे पर वीडियो ही नहीं बनाई। हालाँकि टीचर डे कब था, 5 अक्टूबर को था। तो व्यूअर, जो कीवर्ड इनके चैनल पे फिट आ रहा था, जिस पे व्यूज़ आ रहे थे, इन्होंने क्या किया, उस कीवर्ड्स पे वीडियो ही नहीं बनाई। अब मैं आपको इनके चैनल पे ले चलता हूँ, ये देखें आप, ये आपके सामने चैनल ओपन है, TH पेपर क्राफ्ट। तो व्यूअर्स, आप वीडियोज़ देखें, ये बर्थडे कार्ड पे है, नीचे देखें पेंसिल बॉक्स हो गया। अब सिर्फ इन्होंने एक वीडियो टीचर डे पर डाले, जब इनको पता चला कि टीचर डे तो 5 अक्टूबर को था, लेकिन अब तो टाइम गुजर ही चुका था, तो इसलिए अब इनकी वीडियो पे व्यूज़ भी नहीं है। इससे नीचे अगर आप देखते जाए ना, टोटल वीडियोज़ एक महीने में जो इन्होंने अपलोड की, वो बर्थडे कार्ड हो गया, पेंसिल बॉक्स हो गया, इस तरह की अपलोड की। हालांकि इनके चैनल पे जो कीवर्ड फिट आ रहा था, जिस पे व्यूज़ आ रहे थे, वो क्या था, टीचर डे। अब अगर आप नीचे यहाँ वीडियो देखें, ये एक महीना पहले टीचर डे पर वीडियो आ चुकी है, इस पर कितने व्यूज़ हैं, 2.3K। इससे नीचे देखें, 10,000 व्यूज़। इससे नीचे देखें, 5.7K, 5700 व्यूज़। हर वीडियो पे हज़ारों में व्यूज़ हैं टीचर डे कार्ड पे, लेकिन इन्होंने क्या किया, टीचर डे कार्ड पे वीडियो ही नहीं बनाई।
यानी कि इन्होंने सही कीवर्ड पर वीडियो नहीं बनाई, जिसकी वजह से इनका चैनल डाउन हो गया और इनकी वीडियोस पे कुछ भी व्यूज नहीं आ रहे। तो व्यूअर्स ये देखें, सिर्फ एक गलती की वजह से, हालांकि ये डेली की वीडियो अपलोड कर रहे हैं, मेहनत तो ये वैसे भी कर रहे हैं, लेकिन इनके माइंड में क्या था कि टीचर डे कब है, 5 सितंबर को है। लोग सर्च कर रहे थे टीचर डे कार्ड पे, ये वीडियोस बना रहे थे बर्थडे कार्ड पे और पेंसिल बॉक्स पे। तो व्यूअर्स, इस चैनल को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है ये सारा कुछ आपने लाइव देखा है। अब आपको बताने वाली और समझाने वाली बात क्या है कि आपके यूट्यूब सर्च टर्म्स में जो भी कीवर्ड सबसे ऊपर आ रहा हो, आपने उसी पे वीडियो बनानी होती है, तभी आपकी वीडियो रैंक करती है, आपकी वीडियो पे व्यूज़ आते हैं। अब अगर आप मेरे चैनल पे चले जाए ना, जो भी वीडियो आप व्यूज़ पे देखेंगे या सब्सक्राइबर पे देखेंगे, उस पे अच्छे खासे व्यूज़ होंगे, क्योंकि ये जो कीवर्ड है मेरे चैनल के साथ फिट आते हैं, इन्हीं कीवर्ड्स पे मेरी वीडियोज़ रैंक होती हैं। तो व्यूअर्स, हमेशा आपने उस कीवर्ड पे वीडियो बनानी होती है जो यूट्यूब सर्च टर्म्स में सबसे ऊपर आ रहा हो आपके चैनल के अंदर। जिस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हैं, उसी वीडियो के रिलेटेड आपने कंटेंट बनाना है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।